अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास स्थित विद्यार्थियों के साथ सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने विद्यार्थियों को न सिर्फ योग के फायदे बताए बल्कि उन्हें रोजाना योग करने का संकल्प दिलाया। सीएम ने छात्रों से कहा कि योग हमें स्वस्थ रखता है, ऐसे में अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र के नव निर्माण में अपना अधिकतम योगदान दे सकेंगे। युवा के बाद कार्यक्रम में शामिल छात्रों के साथ साथ प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज़ादी के अमृतकाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने भारत की प्राचीन विद्या योग को दुनिया भर में पहुंचाने का अद्भुत कार्य किया है। और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने भारत की ऐसी विधा जो हमारे ऋषियों ने बड़े अनुसंधान के बाद विकसित की थी योग की, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का अद्भुत काम किया है। और आज हम नहीं, पूरी दुनिया मानती है कि योग से हम निरोग होते हैं। और दुनिया के 177 से ज्यादा देशों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। कभी केवल भारत योग करता था, आज पूरा विश्व योग कर रहा है।